बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। हमें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि जो संविदा के आधार पर जो बहाली हुई है और खास करके जो पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति तबकों में जो उन्होंने बहाली किया, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप सब एजेंट के रूप में काम कीजिए, यह हम देख रहे हैं। लेकिन नीतीश जी बी टीम लाएं, सी टीम लाएं, डी टीम लाएं, सभी टीमों को भाजपा को हराने में वो लगा दें। किसी भी हालत में कुर्नी से भाजपा ही जीतेगी, केदार प्रसाद ही। नगर निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश दिया, जिसके बाद बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर खूब तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अति पिछड़ों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने खूब अन्याय किया है, तो वहीं उपचुनाव को लेकर साफ साफ संजय जायसवाल का करना था कुर्नी उपचुनाव को लेकर कि सरकारी तंत्र का सरकार प्रयोग करिए। वहीं क्या कुछ कह रहे बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, वो सुने आप लोग। जरा उनको कागज पढ़ना चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह कागज नहीं पढ़ते। 34 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुद्रा योजना के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत हमने रोजगार के अवसर करे हैं। और तेजस्वी जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको पत्र लिख करके लिखित में डाटा दे सकता हूँ, लेकिन कृपया कर तेजस्वी जी यह भी बताएं कि अभी तक जो ये नौकरियां दी गई हैं, जब उनको ऑलरेडी नौकरी मिली हुई थी, 2 अगस्त को रामसूरत राय जी जो नौकरी बांटते हैं उसी नौकरी को वो बांटते हैं। सिपाही आता है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने और पूरी वर्दी में और जॉब करने के बाद आता है, कब एडवर्टीजमेंट निकला किसी को पता नहीं है, सब 2020 की नौकरियां थी। इसके पहले जो उन्होंने जल संसाधन में दिया वो 2014 की नौकरी थी और वह हाईकोर्ट में संज्ञान में होकर के हुआ है। तो 2014 की नौकरी के बारे में आप देख करके और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कृपया कर जो 10 लाख पहले बार वादा किए थे, मैं जानता हूं कि आप झूठ बोले थे, आप लोग आदतन झूठ बोलते हैं, लेकिन जो 1,15,000 SETT और BTET के शिक्षक हैं और वह उनका हक है, वह नौकरी पास किए हुए लोग हैं और लगातार उनको आपने वादा किया था चुनाव से पहले उनको कि मैं तुरंत कर दूंगा, तो आपके जो 10 लाख है कम से कम 1,15,000 घट करके आपके वादा का 8,85,000 बचेगा। बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। हमें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि जो संविदा के आधार पर जो बहाली हुई है और खास करके जो पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति तबकों में जो इन्होंने बहाली किया, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप सब एजेंट के रूप में काम कीजिए, यह हम देख रहे हैं। लेकिन नीतीश जी बी टीम लाएं, सी टीम लाएं, डी टीम लाएं, सभी टीमों को भाजपा को हराने में वो लगा दें। किसी भी हालत में कुर्नी से भाजपा ही जीतेगी, केदार प्रसाद ही जीतेगी। एक वादा नरेंद्र मोदी ने भी किया था 2014 में चुनाव के पहले, जो आपके 10 लाख का, मैं बोल ही रहा हूँ, आप 34 करोड़ का आंकड़ा तो देख लीजिए। आप मुद्रा योजना में देखे आपने, 19 करोड़ रोजगार केवल मुद्रा योजना में 19 करोड़ लोगों को मिला हुआ है, और अभी भी जितने हम लोगों ने किया था वो सबों को रोजगार देने का वादा किया था, कर रहे थे। 19 लाख रोजगार के अवसर का हमने वादा किया था, पूरे बियाडा में हमने रेट घटाया, हर जगह फैक्ट्रियां लगा रहे थे। लेकिन हमारे कार्यक्रम में जब उद्योगपति आते हैं उसी समय बालू माफिया मिलके 1,000 गोली मारता है, 8 लाशों को गायब कर दिया जाता है, कौन आदमी यहाँ पे रोजगार देने और लगाने आएगा रहेगा। इस विवाद में बिहार के युवाओं को अब और नहीं किया जाए। नीतीश जी के मन में जितनी बेईमानी थी और जो आकांक्षा थी वो तो उनकी पूरी हो गई है, अब कम से कम इन बच्चों को रोजगार दे करके हम भी उनको धन्यवाद देंगे कि इन 1,15,000 बच्चों को वह रोजगार देंगे, तो मैं जरूर उस 10 लाख में से 1,15,000 की गिनती घटाते हुए धन्यवाद दूंगा। हम लोगों ने सरकारी नौकरी का वादा माननीय मोदी जी ने पूरा रिसर्च किया तो जाकर के केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां निकली और उन नौकरियों को लगातार वह नई नौकरियों को देने का काम कर रहे हैं। पर एक व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव से पहले घोषणा करता है कि मैं पहले कैबिनेट में 1 दशक कर दूंगा, आज तो उनके साथ डमी मुख्यमंत्री हैं। आज आदित्य ठाकरे भी आते हैं तो वो तेजस्वी जी से मिलते हैं, अब तेजस्वी जी मजबूरी में ले जाते हैं कि एक जैसे घर में हम लोग क्या, भी कोई बुजुर्ग मुखिया खटिया में पड़ा रहता है तो कोई अपना आदमी आता है मिलने तो कहते हैं कि चलो उनसे भी जरा मिल लो, उनका आशीर्वाद ले लो,
तो वही स्थिति अब नीतीश कुमार की हो गई है, न उनके आने में उनसे मिलने का कोई प्रोविजन था न कुछ था। हाँ, लेकिन एक बुजुर्ग मुखिया के तौर पर जो खाट पे बैठे हुए हैं उनका आशीर्वाद दिलाने जरूर तेजस्वी जी देगा। उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस अभी क्या हुआ है और क्या वह करने जा रहे हैं इसके बारे में आप सभी को संबोधित करें। अध्यक्ष जी और मीडिया के मित्रों, अध्यक्ष जी का आदेश है कि मैं थोड़ा सा संक्षेप में इस विषय पर प्रकाश डालूं, परंतु मेरा अनुरोध होगा, आप लोगों से निवेदन होगा कि हम लोग जब स्मारक पत्र वहां प्रस्तुत कर दें उसके बाद ही हम लोग आपको ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। बाकी तो अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो वही बात है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप आमंत्रित हैं बैक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल के सामने अति पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो हम लोग वहां मेमोरेंडम देते हुए चाहते हैं कि आप उसको अवसर दें हमें। ठीक है, और कोई हर बात कह रही है कि आपके नेता गुजरात चले गए हैं, बिहार के नेता कुदरी में कोई नहीं है, आप लोग पहले हार मान चुके हैं। कल भी मैं मौजूद था, परसों भी मौजूद था, जितना उछलना है उछल लो, रिजल्ट अपनी तो चिंता करें। उनके यहाँ तो जब राजद लड़ती है तो जदयू के मुख्यमंत्री अपना पेट दिखाते हैं, लेकिन ये जरूर है नीतीश जी में यह हार्ट जरूर है। हम लोगों ने भी देखा है कि जब हम लड़ रहे थे, जब वो लड़ रहे थे कुशेश्वर स्थान और तारापुर, तो उन्होंने भाजपा का भरपूर उपयोग किया, लेकिन जब भाजपा बोचहां लड़ रही थी तो उन्होंने एक बार भी हमें मदद करना ठीक से उचित नहीं समझा। आज फिर हम लोग देख रहे हैं कि फिर वो सहयोगी दल के साथ नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। जब राजद चुनाव लड़ रहा था तो वह पूरे पटना में घूम रहे थे, लेकिन वो किसी के प्रचार में नहीं गए, लेकिन वो इतने तेज तरार व्यक्ति है कि जब उनकी पार्टी लड़ रही है तो वह पूरा का पूरा राजद के नेतृत्व को लेकर के जाएंगे और वह हाजिरी बजवाएंगे। मुकेश सहनी को लेकर क्या कहेंगे, आपके लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को सरपंच से जुड़ा की धमकी दी गई है, क्या कहेंगे? मैं सदैव इस बात को कहते रहा हूं कि यह जो सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो तत्व जदयू में सरकारी अफसर के तौर पर मौजूद है और पीएफआई के तत्व जो वोटर के तौर पर राजद में मौजूद है, उन दोनों के गठजोड़ से यह सरकार बनी है, और इसलिए इस तरह की धमकियां, इस तरह की कार्रवाई करने का ये लोग हक समझ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस तरह की चीजें नहीं होने देगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह के बातों को संज्ञान में लेकर के और तुरंत प्रोफेसर मिश्रा को सुरक्षा मुहैया कराएं और साथ में तुरंत उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी करें जो इस तरह की काम करने का सोच भी रहा है। बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कानून व्यवस्था नाम की कहीं चीज नहीं रह गई है और इसी मन बढ़ने का यह सब नतीजा। भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता के द्वारा यह शिकायत मिल रही थी कि विगत कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा अति पिछड़ा समाज के साथ अन्याय करने का काम हुआ है, और यह अन्याय का काम लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार जी दोनों ने मिलकर किया है, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है ट्रिपल टेस्ट का, तो यह समय है जब उस अन्याय और उस विनतियों को दूर किया जाए, और उसी के तहत भाजपा ने यह निर्णय लिया कि भाजपा सामाजिक न्याय समिति बनाएगी जिसके अध्यक्ष भीम सिंह चंद्रवंशी जी होंगे और इसके सदस्य अजय निषाद जी, शंभुशरण पटेल जी और रामकुमार राय जी होंगे। पिछले 20 दिनों से लगातार माननीय चारों हमारे इस भाजपा सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों ने सारे पेपर्स को कलेक्ट किया, सभी चीजों को इन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने एक निर्णय पर पहुंचे हैं, और आज मुझे वो स्मारक पत्र देने जा रहे हैं, और यह स्मारक पत्र हुआ पिछड़ा आयोग और अति पिछड़ा आयोग दोनों को देने जा रहे हैं, जिससे जो अति पिछड़े समाज के साथ अन्याय करने का काम नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी ने किया है, जिन विसंगतियों को उन्होंने पैदा किया है,
उन विसंगतियों को दूर किया जा सके। तो आपने सुना, संजय जायसवाल थे बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उनका साफ कहना है कि सरकारी तंत्र का बिहार सरकार प्रयोग कर रही है। तो वहीं उनका साफ कहना है कि अति पिछड़ों के साथ बिहार सरकार और नीतीश कुमार दुरुपयोग कर रही है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे संजय जायसवाल, आपने सुना। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।